नमस्कार, से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से मिल रही है जो लखनऊ से सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। आज शाम 5 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। ओपी राजभर बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। तारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। आरएलडी से एक विधायक बन सकता है मंत्री। आरएलडी कोटे से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनेगा। सूत्रों के वाले से खबर है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 4 मंत्री। संभावित मंत्रियों को लखनऊ में रहने के लिए बोला गया है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान लखनऊ में मौजूद है। आरएलडी के विधायक लखनऊ में मौजूद है। आरएलडी विधायक अनिल कुमार को फोन भी गया है, ऐसी खबर मिल रही है। और काजी से विधायक है अनिल कुमार। आरएलडी कोटे से एक मंत्री बनेगा। तो आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्यपाल के वापस लौटने के बाद बताया जा रहा है कि आज शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है। दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर जैसे कई नाम इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट विस्तार होने की पूरी संभावना है। शाम 5 बजे राजभवन में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा अध्यक्ष हैं, और ये माना जा रहा है कि 5 बजे यूपी सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजभर जी, अभी बधाई दे दें या थोड़ा सा इंतजार करें? अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी आप लोगों के हवाले से और सूत्रों की खबरें जो हैं वो 5 बजे राजभवन में शपथ दिलाने की चर्चा हो रही है। अभी हमारे यहाँ खुद ना राजभवन से फोन आया है ना मुख्यमंत्री ऑफिस, इस नाते हम उस खबर की तब तक पुष्टि नहीं करते जब तक वहाँ से सूचना नहीं आ जाए। ये भी तो कहा गया था ना कि 5 तारीख को लखनऊ में रहना है। हाँ, ये बात कहा गया था, तो है लखनऊ में। आपको जो उनको कहा गया है तो उसमें से एक आप भी हैं, तो चूंकि पहली दावेदारी आप ही की है, कैबिनेट के तौर पर आपको देखा जा रहा है, तो ये क्या कहा गया था कि 5 तारीख को आपको लखनऊ में रहना है? हाँ बिल्कुल कहा गया था कि 5 को लखनऊ रहना है। हैं लखनऊ तो लखनऊ वैसे भी रहते हैं, जब भी आप लोग बुलाते हैं तब भी लखनऊ आ जाते हैं। कल ही अखिलेश यादव ने तंज कसा था आप पर, और आज जो है कैबिनेट विस्तार के बिल्कुल चर्चा है। 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा है। देखिए, मुझे तो खुशी इस बात की है कि कल तक ओम प्रकाश राजभर को कोई जानता नहीं था, आज कम से कम तंज कस रहे हैं। तो उनको चिंता इस बात की है कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी समाज के लिए जो 27% आरक्षण है उसको बांट करके देने की बात करता है। ये बात अखिलेश जी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया 27% आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके देने की। कभी उनके मुँह से ये नहीं सुने होंगे कि पिछड़ों की छात्रवृत्ति के सवाल पे, शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे ये नहीं बोलते। पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन पिछड़ों का हक लूटने में माहिर अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और सपा एक नंबर की पार्टी है। और जो उन्होंने तंज कसा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जो आपकी भावना है, जो इच्छा है, चिंता मत करिए, चिंतन करिए, आज वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, चूंकि आपको तो सब जानकारी होगी, तो कौन कौन और भी चेहरे हैं? अभी कोई जानकारी नहीं है, होता तो मैं बता देता, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम आपको बता सकते हैं। क्या सीएम से मिलने जा रहे हैं? नहीं, उनसे मिलने नहीं जा रहे, एक जगह जा रहे हैं। तो शाम 5 बजे इंतजार किया जाएगा राजभवन के बाहर? बिल्कुल, आप सब लोग साधारण मंत्री थे। राजभर जी हैं, और शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार लगभग तय माना जा रहा है, और ओम प्रकाश राजभर भी यूपी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस फोन का इंतजार है। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया लखनऊ। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ओपी राजभर को सुना आपने, जो कि कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक का इंतजार करिए और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। और जब उनसे बार बार मंत्री के बारे में सवाल किया गया कि क्या आप कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसको लेकर वो सवाल का जवाब टाल गए और बार बार कहते रहे कि आप इंतजार करिए।